अच्छा बाबू सोते कब हो तुम? वो फिर प्रश्न करता है। साथी रोज सुबह 8-9 बजे एक बार कॉलोनी में चक्कर लगाकर तसल्ली कर लेता हूँ कि सब कुछ ठीक है ना, फिर कल की नींद पूरी करने और आज रात में फिर जागने के लिए आराम से अपनी नींद पूरी करता हूँ। अच्छा साहब जी, अब आप पैसे दें तो मैं अगले घर जाऊँ? अरे भाई, अभी तुमने ही कहा है कि जो पैसे नहीं देते उनका ध्यान तुम्हें ज़्यादा रखना पड़ता है, तो मेरे घर की चौकसी भी तुम्हें बिना पैसों के करनी होगी, समझे? जैसे आपकी इच्छा साहब जी। और चौकीदार अगले घर की ओर बढ़ गया। मैं सोचता हूँ कि बिना किसी ऊपर दबाव अथवा नियंत्रण के एकाकी रूप से इतनी जिम्मेदारी से अपना कर्तव्य निभाने वाला, हमारी सुरक्षा की चिंता करने वाला, निष्कपट भाव से करने वाला यह रात का रखवाला स्वयं कितना असुरक्षित और अकेला है। मैं रात भर उहा पोहा में रहा, ठीक से नींद भी नहीं आई। सवेरे उठने तक मैं निर्णय ले चुका था। मैंने चौकीदार को बुलाया, उससे कहा मेरे घर की चौकसी करने का तुम्हें पूरा मेहनताना मिलेगा। चौकीदार ने सलाम किया और चला गया। मैंने चैन की सांस ली और उसके प्रति श्रद्धा बढ़ गई।